प्रिय सिविल सेवा आकांक्षियों, मैं आप सभी का आज की गोट श्रृंखला में स्वागत करता हूं। आज जो हमारा विषय है वो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। आज हम लोग छत्तीसगढ़ के निर्यात संबंधी अवधारणाओं को समझने का प्रयास करेंगे और ये भी देखेंगे कि छत्तीसगढ़ की औद्योगिक नीति वर्ष 2019 से लेकर 24 तक में निर्यात प्रोत्साहन के लिए क्या बात कही गई है। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं। तो पहले हेडलाइंस को जान लेते हैं और ये देख रहे हैं, ये जो तस्वीर आपको दिख रही है ये भिलाई स्टील प्लांट द्वारा जारी की गई है। ये जो तस्वीर आप देख पा रहे होंगे और हेडलाइंस को देखते हैं और ये आपको दिख रहा होगा, ये मॉल्टेन आयरन है। और आइए हेडलाइंस को देख लेते हैं। राज्य सरकार के अनुसार वर्ष 2018-19 की तुलना में वर्ष 2021-22 में छत्तीसगढ़ का निर्यात लगभग 2.89 गुना बढ़ा है और सरकार कह रही है कि यह जो वृद्धि हुई है 2.89 की, इस वृद्धि का कारण है छत्तीसगढ़ की औद्योगिक नीति 2019-24। इसमें जो निर्यात प्रोत्साहन की बात की गई है उसने ही निर्यात को 2.89 टाइम्स इंक्रीज करने में कंट्रीब्यूशन दिया है। तो आइए देखते हैं। तो उससे पहले अगर यह विषय अगर आपको महत्वपूर्ण नहीं लगता है, अगर आप इसको गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, तो आप इस प्रश्न को हल कर देखिए। अगर आप इस प्रश्न को हल कर लेते हैं तो यानी आपकी तैयारी सही दिशा में है, और अगर आप इस प्रश्न को हल नहीं कर पाते तो आपको आत्मचिंतन आत्ममंथन की आवश्यकता है, क्योंकि आप अपनी परीक्षा की तैयारी को बदलते प्रारूप के अनुसार बदल नहीं रहे हैं। तो आइए देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। छत्तीसगढ़ की औद्योगिक नीति 2020-2024 के लिए है। छत्तीसगढ़ से सबसे अधिक निर्यात चावल का होता है। वर्ष 2018-19 की तुलना में छत्तीसगढ़ का निर्यात कम हुआ है। औद्योगिक नीति के अनुसार सहायता की अधिकतम सीमा 30 लाख रुपए प्रति वर्ष होगी, जो औद्योगिक नीति 2019-24 की समयावधि तक मिलेगी। विकल्प है कथन एक और दो सही है, कथन तीन सही है, कथन तीन और चार सही है, कथन दो और कथन चार सही है। तो इस प्रश्न को उत्तर देने के लिए हम लोगों को छत्तीसगढ़ में निर्यात की स्थिति को, छत्तीसगढ़ की जो औद्योगिक नीति 2019-24 उसमें निर्यात प्रोत्साहन के लिए क्या क्या बात कही गई है, इन सभी को हम लोगों को समेकित रूप में समझने की आवश्यकता होगी, तभी इस प्रश्न को हम लोग पूर्ण विश्वास के साथ हल कर सकते हैं। तो आइए यही प्रयास हम लोग करने चलते हैं। और ये आपके सामने एक तस्वीर नज़र आ रही होगी और यह छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जारी किए गए आंकड़े हैं। तो आप देख रहे हैं वर्ष 2018 और 19 में जो चावल का जो निर्यात था वो 2228.10 करोड़ था। ये जो आंकड़े आप देख रहे हैं ये सभी किसमें है तो करोड़ में है, और यह 2228.10 से बढ़कर 2021-22 में कितना हो गया, 8559.12 करोड़ हो गया। तो इसमें कितने की वृद्धि हुई अगर हम लोग देखेंगे तो 3.84 गुना की, यानी कि लगभग 384% की वृद्धि हुई है 2018 से लेकर 2021 तक। तो इन तीन सालों में 384% की वृद्धि आश्चर्य का विषय है, यानी कि यह आसान तो नहीं रहा होगा। जरूर ऐसे कदम उठाए गए होंगे जो निर्यात को प्रोत्साहन देता होगा। उसी तरीके से आप यहां पर देखेंगे आयरन का जो निर्यात होता था वर्ष 2018 में वह 1508.36 करोड़ था, जो बढ़कर वर्ष 2021-22 में 7386.13 करोड़ हो गया है। इसमें कितने की वृद्धि हुई है तो 4.89 गुना की, यानी कि 489% की वृद्धि हुई है वर्ष 2018 की तुलना में वर्ष 2021 में। तो ये लौह, ये आयरन ओर है, आयरन ओर यानी कि लौह अयस्क है, और आयरन और स्टील प्रोडक्ट हैं, लौह और इस्पात उत्पाद है। स्टील का मतलब क्या होता है साथियों,
आकांक्षी हो। स्टील का मतलब होता है इस्पात, जो आयरन और कार्बन के संयोजन से बनता है। तो यह जो आप देख रहे हैं कि आयरन और यह जो इस्पात उत्पाद है, इसका निर्यात वर्ष 2018-19 में 272.55 करोड़ था, जो बढ़कर 2021-22 में 347.78 करोड़ हो गया है। इसमें ज़्यादा की वृद्धि नहीं हुई है। कितना का हुआ है? मात्र 1.27 गुना का। इसी तरीके से अगर हम लोग एल्यूमिनियम में आए, तो एल्यूमिनियम में आप देख रहे हैं कि यह 3282.39 करोड़ से बढ़कर 6026.48 करोड़ हो गया है, और इसमें कितने की वृद्धि हुई है? तो 1.83 गुना बढ़ा है, यानी कि 183% की वृद्धि हुई है। और इस तरीके से जो समग्र निर्यात है वर्ष 2018-19 में 8709.35 करोड़ था, जो बढ़कर 2.89 गुना बढ़कर कितना हो गया है? तो 25241.13 करोड़ हो गया है, यानी कि इन तीन सालों में 289% की वृद्धि हुई है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कई प्रश्न बनेंगे, तो यहाँ आपसे यह पूछा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक निर्यात किस उत्पाद का होता है। तो आप यहाँ देख रहे हैं, यह 8000 है, यह 7000, यह 347 है और यह 6000 है। तो यानी सबसे अधिक निर्यात चावल का होता है, सबसे अधिक निर्यात चावल का होता है। इसी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है सबसे अधिक वृद्धि दर्ज किसने की है। तो यहाँ आप देख रहे हैं सबसे अधिक जो वृद्धि दर्ज हुआ है वह हुआ है आयरन ओर में। कितने का हुआ है? तो 4.89 गुना का हुआ है, यानी 489% का हुआ है। आगे चलते हैं, तो यह जो वृद्धि आप देख रहे हैं कि जो 289% की वृद्धि हुई है समेकित निर्यात में वर्ष 2018 की तुलना में वर्ष 2021 में, तो इसका कारण क्या है उसको भी जान लेते हैं। तो इसका कारण है साथियों, उससे पहले ये सरकार कुछ कारण बता रही है उसको जान लेते हैं, फिर हम लोग चलेंगे अपने अवधारणा पर। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति 2019-24 में कई उद्योग हितैषी प्रावधान किए गए हैं। तो यह जो निर्यात जो सफल हुआ है या उसमें 289% की वृद्धि है वह क्यों हुई है? क्योंकि औद्योगिक नीति 2019-24 में उद्योग हितैषी प्रावधान किए गए हैं। सिंगल विंडो सिस्टम का किया गया है, उनको करों में छूट की बात की गई है, उनको आसानी से जमीन उपलब्ध कराने की बात कही गई है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और सिंगल विंडो सिस्टम के अलावा उद्योगों को कई ढील दिए गए हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग है उसमें छत्तीसगढ़ को अचीवर की श्रेणी में रखा गया है। अचीवर जो श्रेणी होता है उसमें छत्तीसगढ़ टॉप के राज्यों में शामिल है। आगे देख लेते हैं, राज्य से निर्यात किए जाने वाले उत्पादों को करों में विशेष रियायत और यूनिट स्तर से निकटतम बंदर गाह तक निर्यात किए जाने वाले उत्पादों की परिवहन लागत पर सब्सिडी देने का किया गया है प्रयास। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, अभी मानिए कि जो हमारा बैला डीला है या फिर हमारा दंतेवाड़ा है जहाँ पर लौह अयस्क का उत्पादन होता है, यह मानिए कि दंतेवाड़ा है, यहाँ लौह अयस्क उत्पादन हो रहा है और यहाँ से यह कहाँ गया? तो विशाखापट्टनम बंदरगाह गया, विशाखापट्टनम बंदरगाह, और इस विशाखापट्टनम बंदरगाह से फिर इसका निर्यात होगा। कहाँ हो रहा है? मान लीजिए जापान में। तो यहाँ और यहाँ के बीच जो परिवहन लागत है इसमें भी सरकार कुछ छूट दे रही है। साथियों, हमारे देश में परिवहन लागत अत्यंत ही उच्च है, और जब परिवहन लागत बढ़ जाती है तो जो उत्पाद होते हैं वह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धी नहीं हो पाते, और प्रतिस्पर्धी नहीं हो पाएंगे तो अन्य देश उसको खरीदने के इच्छुक नहीं रहते। तो ये परिवहन लागत में जो छूट दी गई है इसका उद्देश्य है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में छत्तीसगढ़ के उत्पाद प्रतिस्पर्धी रूप में उभर सकें। आगे देख लेते हैं कि राज्यों की औद्योगिक नीति में निर्यात प्रोत्साहन के प्रावधानों के कारण निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। तो आइए देखते हैं राज्य की औद्योगिक नीति में निर्यात प्रोत्साहन के कौन कौन से
प्रावधान है। तो छत्तीसगढ़ औद्योगिक नीति में निर्यात प्रोत्साहन अभी देख लेते हैं। राज्य से निर्यात किए जाने वाले उत्पादों को करों में विशेष रियायत हेतु समन्वय। तो जो पदार्थ जो भी उत्पाद निर्यात किए जाते हैं उनको करों में विशेष छूट दी जाती है। एक सामान्य उत्पाद है जो घरेलू उपभोग में होते हैं और एक उत्पाद वो है जो निर्यात किए जाते हैं। तो निर्यात वालों को अतिरिक्त करों में छूट दी जाती है, वही बात यहाँ कही जा रही है। राज्य की औद्योगिक इकाइयों को उनके उत्पादों को प्रतिस्पर्धा में लाने के लिए निर्यात किए जाने वाले उत्पादों की इकाई स्थल से निकटतम बंदरगाह तक परिवहन लागत पर अनुदान का प्रभाव। ये हम लोगों ने अभी कुछ देर पहले ही जाना है कि दंतेवाड़ा से विशाखापट्टनम तक का जो परिवहन लागत आएगा उसी में कुछ छूट दी जाएगी। केंद्र सरकार ने अभी लॉजिस्टिक पॉलिसी भी जारी की है, क्योंकि ये जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है इसको कम किए बिना हम लोग निर्यात को प्रोत्साहित कर ही नहीं सकते हैं। तो लॉजिस्टिक कॉस्ट को हम लोग को एट एनी कॉस्ट में कम करना ही होगा, यही हमारा ध्येय है। आगे देखते हैं, राज्य में निर्यात हेतु उत्पादों का चयन एवं उनकी गुणवत्ता निर्धारण हेतु आवश्यक कदम। तो इसमें आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में जो एपेडा है, एपेडा को और मजबूत करने की बात कही गई है। और जो प्रोडक्ट होते हैं अगर वो सर्टिफाइड नहीं होंगे, अगर वह प्रमाणित नहीं होंगे किसी सरकारी इकाई से, तब तक उसको अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खरीदने वाला कोई नहीं रहेगा। उन उत्पादों के प्रति विश्वास जताने के लिए, विश्वास को कायम करने के लिए उत्पादों के प्रमाणीकरण की जरूरत होती है। अभी हाल में ही जो छत्तीसगढ़ का एपेडा है उसको केंद्र सरकार की एपेडा से जैविक उत्पादों के प्रमाणीकरण के लिए मान्यता प्रदान की गई है। तो यह एक अच्छा कदम है, इससे जैविक उत्पादों की निर्यात में जरूर प्रोत्साहन होगा और जरूर वृद्धि होगी। बायर सेलर मीट, अभी गुजरात से यह शुरू हुआ था कि जो बायर सेलर मीट करना है अब सभी राज्यों में होता है। तो वाइब्रेंट गुजरात के नाम से यह भारत ने पहली बार अगर किसी स्टेट ने कराया था यह इंटरनेशनल समिट या बायर सेलर समिट, वह गुजरात था। अब धीरे धीरे इसका प्रसार सभी राज्यों में हो गया है और भला छत्तीसगढ़ कैसे पीछे छूट सकता था। आगे देखते हैं, नया रायपुर में प्रस्तावित एपेडा की नवीन क्षेत्रीय कार्यालय का अधिकाधिक उपयोग कर निर्यात संवर्धन करना। एपेडा का हम लोगों को जितना ज्यादा से ज्यादा उपयोग कर सकते हैं करना है। ग्राम उद्योग से संबंधित निर्यात संवर्धन हेतु राष्ट्रीय स्तर की अन्य संस्थाओं के कार्यालय हेतु समन्वय। तो ग्राम उद्योग जो निर्यात है, जो प्रोडक्ट है, जो शिल्प वस्तुएं हैं छत्तीसगढ़ की, उनकी गुणवत्ता बहुत ज्यादा होती है, वो बहुत बारीकी से बनाए जाते हैं और उनकी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में काफी मांग होती है। लेकिन एक निर्यात नीति के अभाव में वो अभी तक निर्यात किए नहीं जा रहे हैं, तो उसके लिए भी प्रयास किए जाएंगे। और जब ग्रामो उद्योग वस्तुओं का या उत्पादों का निर्यात होगा तो इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। औद्योगिक नीति के अनुसार सहायता की अधिकतम सीमा 30 लाख रुपए प्रतिवर्ष होगी, जो औद्योगिक नीति 2019-24 के समयावधि तक होगी। यानी कि जितने भी छूट दिए जाएंगे अधिकतम 30 लाख तक ही प्राप्त होंगे प्रतिवर्ष, और यह कब तक चलेगा तो 2024 तक। फिर उसके बाद नई औद्योगिक नीति लाई जाएगी, उसमें कुछ और प्रावधान किए जाएंगे। तो यह जो छत्तीसगढ़ की औद्योगिक नीति है उसमें ये सारे निर्यात के प्रावधान किए गए हैं। यहाँ एक बात साथी आप और देख रहे होंगे कि सबसे अधिक चावल का निर्यात होता है। तो यानी चावल का निर्यात हो रहा है तो चावल का उत्पादन कौन करता है? किसान करते हैं। तो यानी निर्यात से किसको फायदा होगा? किसानों को फायदा होगा। जो निर्यात है अपने आप में समृद्धि का प्रतीक है, समृद्धि का द्योतक है। क्यों? क्योंकि जब निर्यात करने, इसका मतलब ये है कि हम लोग घरेलू मांग से ज्यादा उत्पादन कर रहे हैं, यानी आर्थिक गतिविधियां ज्यादा से ज्यादा संपादित हो रही हैं। और अगर आर्थिक गतिविधियां ज्यादा संपादित होगी तो लोगों की आय में भी बढ़ोतरी होगी, और लोगों की आय में बढ़ोतरी होगी तो यह बात वाजिब है कि आर्थिक समृद्धि तो आएगी ही आएगी। अभी सिंगल विंडो सिस्टम के बारे में जान लेते हैं कि तो सिंगल विंडो सिस्टम है छत्तीसगढ़ औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन अधिनियम 2000 के तहत राज्य स्तर एवं जिला स्तर पर सिंगल विंडो सिस्टम का प्रावधान किया गया है। इसमें कोई भी उद्योग आए अपने सभी दस्तावेजों को लेकर एक नियत समय में एक ही खिड़की में सारी उसको अनुमति प्राप्त हो जाती है। पहले अलग
अलग अलग विभागों में जाना पड़ता था, उसमें समय भी ज़्यादा लगता था, जटिलता काफ़ी थी, लाल फीताशाही भ्रष्टाचार के भी काफ़ी मुद्दे थे, तो उन सबसे छुटकारा मिलेगा और इसके लिए एक अलग से पोर्टल भी बनाया जाएगा। यही दूसरे पॉइंट में बात की गई है और बनाया भी जा चुका है। सिंगल विंडो सिस्टम क्लीयरेंस के लिए छत्तीसगढ़ में विशेष रूप से पोर्टल है जो उद्योगों को उनकी अनुमति प्रदान करने का कार्य करता है। तो अगर आप इतनी बातें जान लेते हैं तो आप उस प्रश्न को आसानी से हल कर पाएंगे। आइए उस प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। तो अभी देखोगे छत्तीसगढ़ की औद्योगिक नीति 2020-2024 के लिए है, गलत है। यह कब से कब तक है? तो 2019 से लेकर 2024 तक है। छत्तीसगढ़ से सबसे अधिक निर्यात चावल का होता है, तो यह वाला सही है, सबसे अधिक चावल का ही तो होता है। अभी आपने देखा वर्ष 2018-19 की तुलना में छत्तीसगढ़ का निर्यात कम हुआ है, गलत है, बढ़ा है। कितना बढ़ा है? 2.89 गुना या फिर 289% बढ़ा हुआ है। आगे देख लेते हैं, औद्योगिक नीति के अनुसार सहायता की अधिकतम सीमा 30 लाख रुपए प्रति वर्ष होगी जो औद्योगिक नीति 2019-24 की समयावधि तक मिलेगी, ये भी सही है। तो कौन कौन सा होगा? तो कथन एक और दो सही है, यह कथन एक और दो सही है, गलत, क्योंकि यह वाला तो गलत है, तो यह वाला ऑप्शन भी गलत होगा। कथन तीन सही है, गलत है। कथन तीन और चार सही है, कथन तीन और चार सही है। देखिए तीन गलत है तो यह भी गलत है। कथन दो और चार सही है क्या? कथन दो और चार सही है, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन चौथा। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं आज की गोट की श्रृंखला में हम लोग अगले सेशन में।